मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के रुकन और मीडिया सेल के इंचार्ज मुस्तफा अजीज आबादी ने लंदन में मुस्लिम लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर सहाफी और हफ्तावर विजन इंटरनेशनल के एडिटर रजा सैयद को मुस्लिम लीग के कारकुनों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने की शदीद मुजम्मत की है। मुस्तफा अजीज आबादी ने रजा सैयद को फोन करके उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया। अपने बयान में मुस्तफा अजीज आबादी ने जिया सैयद पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि अदलिया की आजादी और आजादी सहाफत की बात करने वाले दो अमली का शिकार हैं। मुस्तफा अजीज आबादी ने कहा कि आज अदलिया की आजादी की बात करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और उसके चीफ जस्टिस सैयद जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ बदसलूकी की थी। उन्होंने एएनपी और सीपीएनपी समेत तमाम सहाफती तंजीमों से अपील की कि वो इस वाकये का फौरी नोटिस लें।